प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ मैजिक, गणित का जादू, कक्षा 4 में चैप्टर 6 कबाड़ी बाली में। आज हमारा जो पाठ है, जो प्रश्न है, वो इस प्रश्न को हम पूरा करेंगे। हम ध्यान देंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे। करना क्या है, किरण ने कबाड़ वालों से कुछ कबाड़ खरीदा, उसने उसे 841 रुपए दिए। उसने दीनू की बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे लिखे हुए नोट और सिक्के दिए। तो अब यहाँ एक बात क्लियर हो रही है, किरण ने कबाड़ वाले और उसने उसे 841 रुपए दिए, यानी किरण ने एक कबाड़ वाले से कुछ पहले कबाड़ खरीदा और उस वाले को 841 रुपए दिए। उसने फिर किरण ने, यानी उसने माने किरण ने, उसने दीनू की बड़ी दुकान पर फिर उस कबाड़ को खरीद कर दीनू की बड़ी दुकान पर ले गई। वो बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे लिखे हुए नोट और सिक्के दिए, यानी दीनू ने उसे ये नोट दिए जो नीचे 100 रुपए के कितने नोट दिए, 6। तो देखिए 100 रुपए के 6 नोट दिए, तो हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 100 × 6, क्योंकि 6 नोट है, 6 गुने ही तो है। और 50 रुपए के कितने नोट दिए, 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 50 × कितना लिखेंगे, वेरी गुड। ऐसे 20 रुपए नोट दिए, तो इसको हम 20 × कितना लिखेंगे, वेरी 7। 10 रुपए के 6 नोट, तो इसको हम लिखेंगे 10 × 6। और 5 रुपए के हमारे पास 8 नोट है, तो 5 × 8। और 1 रुपए के सिक्के हैं, वो हमारे कितने हैं, 4। इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए इसको यहां निकाल लीजिए, तो ये कितने हुए, 6 का, हाँ 600, वेरी गुड, 600 रुपए। और 150, वेरी गुड, ये 7 × 140, 14, 6 × 6, तो ये 60, और 8 × 5 = 40, और 4 × 1 = 4, ये इतने नोट दिए थे, तो इतने रुपए बने। अब इसको हम जोड़ देंगे, कितने रुपए बने, जोड़ दीजिए 0, 0, 0 और 4, तो 4 की हासिल कुछ नहीं। अब हम दाई अंक जोड़ेंगे, तो 5, 4 = 9 और 9 = 6 = 15, 15 × 4 = 19, 19 × 9, और हासिल हमारी कैरी 1। फिर जोड़ देंगे 1 × 6 = 7, 7 × 8 = 9, तो ये हो गया 994 रुपए। यानी उसे दीनू के दुकान से किरण को कितने रुपए मिले, 994। अब ये बताओगे प्यारे बच्चों कि उसने 841 रुपए का कबाड़ खरीदा था और उसने बेचा कितने का, 994 का। तो अब बताओ 994 ज्यादा है कि 841, तो इसका मतलब उसे लाभ हुआ या हानि, लाभ। तो लाभ कितना हुआ, हम यह देख लेते, 841 का उसने खरीदा था, तो घटा देंगे 4 में से 1 गया
नौ में से चार गया पांच और नौ से आठ गया 153 रुपए का उसे क्या हुआ लाभ, यानी 153 रुपए का उसे फायदा हुआ। तो ये सवाल समझ में आया सभी के? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं।